जीरो प्वाइंट पर शटाफ पड़ गया। यूसी बोबक के दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सेहवन और भान सईदाबाद को बचाने के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें जारी। बंछल झील पर कट लगाए जा चुके हैं। कट लगाने की वजह से पहले से मुतासर इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। मुतासर यूनियन काउंसिलों में यूसी जाफराबाद, बोबक, चन्ना, वाहड़ और दल शामिल हैं। ये मंचूर झील का पानी है। ये मंचूर झील से आके ये जो कल कट दिया हुआ है वो पानी इधर सेम के ये सामने बंदे सेवन से तकरीबन आधा किलोमीटर यह दूर है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम में पानी की आमद 604,147 क्यूसिक है। जूही और मेहड़ के रिंग बंदों पर भी पानी का दबाव बरकरार है। दादू जिले का शहर खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ चुका है। बदीन की फरान नदी में 9 रोज कबल पड़ने वाला शगाफ का हाल पुर न हो सका। 50 से ज्यादा डूबे देहात में पानी की सतह मजीद बढ़ गई है। हजारों गांव जेरे आब आ गए। आदमियों का माल मवेशी जो है वो खत्म हो गया है। घरों में पानी है। बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों से सिंध में तबाही का सिलसिला जारी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया।